أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. देखिए, प्रीवियस एपिसोड में हम आदत के ताल्लुक से जाने थे, तो हमारे इस टॉपिक में मैं आपके लिए एक टेबल बनाकर लाया हूँ, क्योंकि प्रीवियस उसमें कहीं जेर जबर में अगर कोई गलती भी हो जाए लिखने में जल्दी जल्दी में, तो इसमें क्लियरली आपको मालूम हो जाए। देखिए, हमारे स्टैंडर्ड के अतबार से हमने मोहम्मदुन मोहम्मदन मोहम्मदिन, इसी पर हमें बिल्ड करना है। तो वाहिद हो गया मुस्लिमुन, और उसकी मुसन्ना हो गया मुस्लिमानी, और उसकी जमा हो गई मुस्लिमुना। मुस्लिमतुन मुस्लिमतानी मुस्लिमातुन। आनी और ऐनी की जो साउंड होगी वो जमा की जमा आनी और जो ऐनी की साउंड होगी वो मुसन्ना के लिए आएगी, जबकि ऊना और ईना की जो साउंड होगी वो जमा के लिए आएगी। आतुन और आतीन की साउंड फेमिनाइन जेंडर की जमा के लिए आएगी। इसके बाद आपको ऐसे चंद इस्म जो जिनकी जमा इस पैटर्न पर नहीं आती, जैसे आपने सुना होगा कल्ब, कल्ब की जमा जो बनती है कुलूब, खुलूबुन। खल्ब की जो जमा बनती है खुलूबुन, और इसका नसब में गया तो क्या बनता है, खुलू बन, जर में गई तो खुलू बिन। अच्छा, ये तो जमा बन गई, ऊना ऊना की साउंड नहीं है। आमतौर पे आप जानते हैं खल्ब की जमा है खुलूब, उर्दू में बोला जाता है लफ्ज बहुत सारे वक्त में, आपने सोचा होगा कि ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं जो उर्दू में और अरबी में दो में एकसा होते हैं, जैसे खल्ब की जमा है कुलूब, खलम की जमा है अखलाम, और जिक्र की जमा है अजकार, तिफल की जमा है अतफाल, अब्द की जमा है इबाद, जबल की जमा है जिबाल। तो ये आपको ऊना और ईना की साउंड में नज़र नहीं आएंगे, वो अलग होंगे। वो ये भी प्लूरल हैं, वो भी प्लूरल हैं, मगर एक्सेप्शनली आप उसको अलग याद रखना पड़ेगा आपको। अगर मैं इसको दो बनाना चाह रहा हूँ, कल्ब की जमा है दो बनाना चाहता हूँ, तो अब क्या, एक कल्ब है तो कल्बुन कल्बन कल्बिन। देखिए आप, कल्बुन नसब में गया, कल्बन जर में गया कल्बिन, खलबानी खलबैनी खलबैनी बनता, कुलूबुना कुलूबीना कुलूबीना ये नहीं बनता, बल्कि कुलूबुन कुलूबन कुलूबिन आपका बन जाएगा। और एक यहाँ पर एक छोटी और एक बात यहाँ पर आपसे जिक्र करना है कि आबिद इबादत करने वाला, इसकी प्रैक्टिस के लिए हम इसके अंदर आबिद डालेंगे, आबिदुन आबिदन आबिदिन, आबिदानी आबिदैनी आबिदैनी, आबिदूना आबिदीना आबिदीना, ये आपका बन गया है। और एक भी बनता है इबादुन इबादन इबादिन, ये भी बनता है आपका। तो आबिदुन की जो जमा बन रही है वो इबादुन इबादन इबादिन भी बन सकती है, आबिदूना आबिदीना आबिदीना भी बन सकती है। नेक्स्ट, मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, आबिदतुन आबिदतन आबिदतिन, आबिदतानी आबिदतैनी आबिदतैनी, आबिदातुन आबिदातिन आबिदातिन। ठीक है, ये आपका जमा मुक्त, इसको जो ऊना और ईना की साउंड में जो जमा नहीं बनते हैं उसे जमा मुकस्सर कहा जाता है। इसके चंद पैटर्न्स आपके सामने मैं लिख दूंगा जो अक्सर आए हैं। कुलूबुन तो एक सामने आ गया है आपको, इसी वजन के ऊपर उजूरुन
उजूरुन, अजर की जमा है उजूर, उजूरन उजूरिन ये आपका बन जाएगा। नफ्स की जमा है नुफूस, नुफूसुन नुफूसन नुफूसिन बन जाएगा। वजहुन, वजहुन की जमा है उजूहुन उजूहन उजूहिन, तो ये आप इसी तरह से बन जाएगा। और एक कुतुबुन, ये पैटर्न के ऊपर थोड़े प्लूरल्स बनते हैं, कुतुबुन कुतुबन, ये बन गया आपको कुतुबिन, कुतुबुन कुतुबन कुतुबिन। रुसुलुन रुसुलन रुसुलिन ऐसा ही बनता है। सुहुफुन सुहुफन सुहुफिन भी ऐसा ही बनता है। और एक बनता है नबी की जमा है अम्बिया, अम्बिया उ, ये देखिए आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट करवा रहा हूँ, इब्राहिम 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 के पैटर्न के ऊपर ये बन रहा है अम्बिया उ। नेक्स्ट है अम्बिया आ, नेक्स्ट क्या बनेगा ये इब्राहिम इब्राहिम इब्राहिमा, तो अम्बिया आ बनेगा ये। इसी का पढ़ेंगे औलिया उ औलिया औलिया। उसके बाद है अग्निया उ अग्निया अग्निया अग्निया, ये दो तीन, ये तीन पैटर्न। अच्छा गुरबा उ गुरबा गुरबा, उमरा उ उमरा उमरा, शरफा उ शरफा शरफा, उलमा उ उलमा उलमा। और एक बनता है ये पैटर्न देखो मरजा, मूसा 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 के पैटर्न पे बन रहा है ये मरजा, ये बन गया आपका मरजा। ये आपका है अक्सर जो बनने आपको, ये अक्सर जो चीजें आती हैं वो इसी तरीके से आती हैं, बहुत कम होंगे जो इन पैटर्न के ऊपर आएंगी। ये इससे पहले बताया था मैं आपको कि ये 2% बनेंगे ऐसे, ये 13% बनेंगे, ये बाकी 85% आपको ऐसे ही बनेंगे जो मुनसरिफ इस्म होंगे। तो आपको दो टाइप के जमा के ताल्लुक से आज आपको मालूम हो चुका है। ऊना ईना की साउंड, आतुन आतिन की साउंड के अलावा भी चंद जमा बनते हैं जो आपको नजर आते हैं, उन जमा को जमा मुकसर बोलते हैं ग्रामर वाले से, जो आमतौर पर उर्दू में ही बहुत से ऐसे अल्फाज हमारे पास मौजूद हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मस्जिद की जमा है मसाजिद, मसाजिदु मसाजिदा मसाजिदा, इस पैटर्न के ऊपर बनेगा वो। जन्नत देखिए आप, जन्नत जन्नतुन जन्नतन जन्नतिन, गोलता होने की वजह से यहाँ पर देखिए आप जन्नत, मेरे पास मैं एक जन्नत लिख रहा हूँ, मेरे पास एक लफ्ज है जन्नतुन, जन्नतुन किधर लिखूंगा मैं, अब डायरेक्ट जन्नत एक थिंग है, ये फीमेल जेंडर तो इसमें लिखूंगा जन्नतुन जन्नतन जन्नतिन। जन्नत का मतलब बाग, एक बाग। उसके बाद जन्नतानी जन्नतैनी जन्नतैनी, जन्नातुन जन्नातिन जन्नातिन, ये आपने 12 सुना होगा। फी जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, जन्नातिन कौन सा आ रहा है आपको आगे पता चलेगा, ये जन्नातिन आ रहा है ये जन्नातिन आ रहा है। देखिए और एग्जाम्पल हम करके इस टॉपिक को मुकम्मल कर लेंगे। देखिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है रजुलुन, रजुलुन आदमी, रजुलुन रजुलन रजुलिन, रजुलानी रजुलैनी रजुलैनी, दो आदमी रजुलानी कहलाते हैं। ये बन गया आपको रिजालुन, रिजालुन रजुलुना रजुलिन रजुलिन नहीं बनता, रिजालुन रिजालन रिजालिन बनेगा। यही इसका अपोजिट रजुलतुन नहीं बनेगा, इसके लिए आपको बनेगा इमरातुन, औरत, इमरातुन इमरातन इमरातिन इमरातानी इमरातैनी इमरातैनी। इसका जो प्लूरल बनेगा आपको निसाउन निसान निसाइन। ये दो टाइप के जमा आपके सामने आ चुके हैं, ये आप आराम से चंद अगर आप थोड़ी अगर इस पर कंसंट्रेट करेंगे तो जमा के ताल्लुक से टू टाइप्स के जमा आपके सामने मौजूद नजर आएंगे। ये टू टाइप्स के जमा है, ये एक टाइप है जो टेबल में होती है, टेबल, ये टेबल के साथ ये टाइप चलती है। टेबल के अलावा अगर कोई टाइप है मतलब ये पैटर्न के ऊपर जो इसके अंदर मौजूद नहीं होती, इस टाइप में बोली नहीं जाती, वो चंद वर्ड्स होते हैं जो उर्दू जुबान में भी इस्तेमाल होते हैं, वो कुलूबुन है कुतुबुन है अम्बियाउ है मरजाउ है, इस पैटर्न के ऊपर। वैसे तो बहुत सारे जमा इस्तेमाल होते हैं, 50 से ज्यादा उसके पैटर्न्स में बोल जाते हैं, मैं चंद जो ज्यादा उमूमी इस्तेमाल हुए सो पैटर्न्स आपके सामने लाई गई हैं ताकि आपके इल्म में बात आ जाए कि दो टाइप की जमा होती है, एक जमा सालिम कहा जाता है इसे, और इसको जमा मुकसर कहा जाता है, ब्रोकन प्लूरल, जिसमें वो चीज मौजूद नहीं होती जो वाहिद में मौजूद होती है, तो ऊना और इना के साउंड के साथ नहीं आती, वो अलग साउंड के साथ वाजे होते हैं, तो उसे जमा मुकसर कहते हैं। तो ये टॉपिक हम यहाँ पर रोक देंगे, अल्लाह से दुआ, अल्लाह आसान करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।